कार्तिक और त्रिशा जिला परिषद के स्थानीय सरकारी स्कूल में रोजाना जाते हैं। बच्चों के लिहाज से ये एक साधारण बात लग सकती है, लेकिन जो बात इसे असाधारण बनाती है वो ये है कि स्कूल में केवल दो ही बच्चे हैं। इन्हीं दो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी विनोद सुरवाड़े पर है। पिछले साल यहाँ पे एक बच्चा था जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, उसका नाम कार्तिक शेगोकर है। और इस साल कक्षा पहली में एक लड़की ने दाखिला भी लिया है, उसका नाम है त्रिशा उमेश कथलकर। और ये दो बच्चे अभी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। ये स्कूल महाराष्ट्र के गणेशपुर में है। तकरीबन 175 लोगों की आबादी वाला ये इलाका वाशिम जिले का सबसे छोटा गांव है। स्कूल में भले ही महज दो बच्चे हैं, फिर भी बच्चों को मिड डे मील समेत सभी सुविधाएं मिलती हैं। बड़ी बड़ी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो जो भी सुविधा है वो सभी सुविधाएं हमारे जिला परिषद स्कूल में, छोटी भी रहे तो भी सब सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। शासन के निर्देश के अनुसार वहाँ पे दो बच्चों के लिए हमारे जिला परिषद ग्रामीण भाग में स्कूल चालू है। वो गांव में पट संख्या कम है क्योंकि गांव की आबादी कम है, इसलिए वो स्कूल शासन निर्देश अनुसार हम बंद नहीं कर सकते। इसलिए दो भी बच्चे रहे तो भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलने को होना, ये हमारे शिक्षण विभाग का प्रयास हमेशा से चलता आ रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। विनोद सुरवाड़े गांव के मूल निवासी नहीं हैं, वह दूसरे इलाके से रोज इस गांव में पढ़ाने आते हैं। किसी भी वजह से जब वे गणेशपुर नहीं आ पाते तब शिक्षा विभाग के अधिकारी उनकी जगह किसी और शिक्षक को जरूर भेजते हैं। नमस्ते, एक दो तीन।